बेटा बेगम में खुशी का कोई पता ना ढूंढो। जमाने वालों पिता बेगम में खुशी का कोई पता ना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। शास्त्रीय संगीत एक ऐसा म्यूजिक है जो अपने सोल के साथ कनेक्टेड है। आदमी एक कन्वर्ट होके फाइनली क्लासिकल म्यूजिक की तरफ रुख कर रहा है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे दुनिया में योग को जाना जाता है, वैसे ही क्लासिकल म्यूजिक को भी जाना जाता है। तो जैसे स्टार्ट होता है पम्पकिन से। पम्पकिन हम लोग यहाँ पे पंडरपुर करके एक छोटा सा गांव है, पंडरपुर के नज़दीक बेगमपुर का, वहाँ से हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है पम्पकिन। तो पम्पकिन बहुत से अलग अलग साइज़ के होते हैं, उसमें से हम लोग सितार के, तानपुरी के अलग अलग पम्पकिन अपने हिसाब से सेलेक्ट करके, तो पम्पकिन हम लोग जब लेते हैं तो उसका साइज़ देख के हम लोग उसको सितार के लिए, तानपुरा के लिए अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। तो चार या पांच अलग अलग पार्टों में सितार बनता है। जैसे पम्पकिन हो गया, ऊपर का नेक हो गया उसका, उसके बाद में दांड हो गया जिसको हम लोग फ्रेट बोर्ड कहते हैं, और एक साउंड बोर्ड हो गया। ये चार मेनली चार पार्टों में इंस्ट्रूमेंट डिवाइड होता है। तो पहले तो हम लोग पम्पकिन सेलेक्ट करते हैं। पम्पकिन सेलेक्ट करने के बाद में उसको पानी में भिगो कर बाद में निकालते हैं। पानी में भिगो कर निकालने से क्या होता है, इसमें एक इलास्टिसिटी आ जाती है। तो जब हम लोग शेप देते हैं इंस्ट्रूमेंट को, वो हम लोग ठीक से शेप दे सकते हैं उसको। इस बिजनेस को हमको समझना पड़ेगा कि ये हैंड मेकिंग बिजनेस है, पूरा हैंडीक्राफ्ट है। इसमें अभी वो बहुत बार बोला जाता है कि आप टूल्स क्यों नहीं यूज़ करते, एडवांस टूल्स यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिक टूल्स क्यों नहीं यूज़ करते, उसको मॉडिफाई क्यों नहीं करते ज़्यादा, इसके वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके वजह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपका सेल बढ़ेगा। पत्थर पे जो डिज़ाइन बनती है या जो लकड़ी पे दरवाज़ों पे डिज़ाइन बनती है, वो मशीन पे, सीएनसी मशीन्स पे बन रही हैं आजकल। वो भी सिमिलर, इवन दो हाथ से भी बेटर दिखती है, लेकिन फिर भी हैंडमेड का एक अपना स्ट्रक्चर होता है कि हैंडमेड डिज़ाइन। लकड़ी से लाल देवदार कहा जाता है ये जो लकड़ी है ना, लाल देवदार कहा जाता है इसे। इसे तूनूड़ भी कहा जाता है, तूनूड़ बाल, इसे तूनूड़ करते हैं हम, लाल देवदार बोलते हैं। ये कला हम एक 15 से 20 साल 20-25 साल हो गए सीख रहे, सीख के पूरा भी ट्रेन में। जब 17-18 का था तब से काम थोड़ा 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 सीखते सीखते आप पूरा बनाने सीख गया। जैसे ये हथियार जो है हमारे लिए, हम खुद बनाते हैं इसे, बेंड बेंड वगैरह दिया जाता है हमारे हिसाब से, जो काम में आसानी हो, इसलिए ऐसे हथियार हम बनाते हैं, सब खुद के लिए बना के लेते हैं ऐसे। ये देखो ये भी सीधा है, ये थोड़ा सीधा है, थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, फर्क है। हर एक जगह हर एक अलग से हथियार यूज करते हैं। ले लो,
ये जो स्किल है ये हैंडमेड है पूरा, और इसको मशीन से नहीं बना सकते। ये वो लोग भी जान गए हैं कि ये चीज़ें मशीन से नहीं बन सकती। अभी गिटार एक दिन में 10,000 गिटार तैयार हो जाते हैं मशीन से, लेकिन एट द सेम पॉइंट जब आप सितार पे आओगे तो नहीं हो सकता, मशीन पे नहीं हो सकते, 10,000 सितार नहीं तैयार हो सकते। हर काम तो मशीन पर नहीं होने वाला, पर जो काम पॉसिबल है वो तो जितना हो सकता है उतना हाथ से तो बना। जैसा कि अभी सितार या तानपुर की जो दांडी रहती है वो दांडी हाथ से बनती है ना, वो अगर मशीन से बन जाए तो जल्दी होगी। लेकिन लेकिन क्यों हम ये चाह रहे हैं मालूम है कि आज समझो हमको फॉरेन से ऑर्डर मिल गया 100 सितार, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम क्या एक महीने में नीरज में सितार 100 बना सकते हैं? ऐसा हो गया इसके पहले भी, हम नहीं ऑर्डर ले सकते। इसका मानना ऐसा है कि ऑर्डर है, डिमांड है, लेकिन उतना हम सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो कारीगरों की संख्या है वो इतनी नहीं है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ा सके। कि जो हम मशीन से कर सकते हैं वो मशीन से करेंगे, जो हाथ से करना है वो हाथ से करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसमें लकड़ी डाल दिए और पूरा सितार या तानपुरा बच कर बन कर पूरा बाहर आए, ऐसा तो होने वाला नहीं। लेकिन कुछ पार्ट कुछ हद तक मशीन की सहायता लेना बहुत जरूरी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मेरा ये मानना है कि इंस्ट्रूमेंट ये मशीन से बन ही नहीं सकता, उसको स्कोप ही नहीं है बनाना। 10, 20, 50, 100 कितने भी आदमी ले लो, हर एक की आवाज़ अलग है, हर एक की एक टोन क्वालिटी अलग है। वैसे ही कुदरत ने हर पेड़ के अंदर उसकी एक स्पेसिफिकेशन अलग रखे हुए हैं। वो हम लोग को एक्सपीरियंस से आता है, हम लोग जब लकड़ी लेते हैं, पकड़ते हैं, उसको टैप नोट करते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि इसको कितना डिगिंग करना चाहिए। ये चीज़ें मशीन सीएनसी मशीन नोटिफाई नहीं कर पाएगी, इसके वजह से हम लोग ये पूरा ऑटोमेटेड नहीं कर सकते। हमको हर एक स्टेज में हमको इन्वॉल्व होना पड़ता है पर्सनली हर एक इंस्ट्रूमेंट हर एक पार्ट के साथ। एक्चुअली कैसे रहता है मालूम क्या, जो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाता है ना उसको अच्छा बजाने ही नहीं आता। जो फरारी बनाता है F1 रेसिंग में जो चलता है, जो बनाता है वो कभी ड्राइव नहीं करता। जितना अपना काम है उतना ही सीखना चाहिए। अगर हम ही बनाए और हम ही बजाए तो फिर बेचे ही किसको फायदा, ऐसे भी है ना इशू। जब भी आप सीखते हो ना कुछ ऐसे रहना चाहिए कि लाइफ में कुछ रोज़ नया कुछ मिलना चाहिए। किस काम में उसको मिलता है रहा नया तो मैं इसमें खुश हूँ, दूसरा काम करने जाऊंगा तो रोज वही काम करना पड़ेगा, ऐसे भी कुछ ये नहीं है। कोई भी आके सीख नहीं सकता ये काम, सही है, और कोई भी मतलब किसी को सिखा नहीं सकता। एक्चुअली सितार बना एक जो काम रहता है ना वो पूरे एक फैमिली से आता रहता है। फैमिली के बाहर का कोई नहीं सीखता ये काम। फैमिली के बाहर का क्यों नहीं सीखता अगर ये पूछोगे ना, तो ऐसा है कि ये जो काम है ना फैमिली वाले खुद के बच्चों को ही सिखाते हैं। अच्छा, बाहर की किसी को नहीं सिखाते ये लोग। और आपने कितने साल से स्टार्ट किया था, मतलब बचपन से? बचपन से ऐसा है, ये सीखना नहीं पड़ता, हम लोग सब घर में होता ही रहने होता है। अभी मछली रहते उसके बच्चे भी होते हैं ना मछली के पानी के अंदर, उसको तैरना सिखाना पड़ता है। नहीं नहीं आपने जब एक इंस्ट्रूमेंट बनता है ना तो हम लोग अपने जैसे बच्चों को बड़ा करते हैं उस टाइप में हम लोग को इंस्ट्रूमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ता है। जब हम लोग अपने बच्चों को एक संस्कार सिखाते हैं कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, तो कभी कभी क्या होता है एनवायरमेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंट बिखरने लगता है। तब हम लोग उसकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करके उसको एक स्ट्रक्चर में लेके आते हैं।
तो ये हर चीज़ें छोटी छोटी हैं, हम लोग उस हिसाब से उसको रेडी करके सवार के हम लोग तैयार करते हैं, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग दो दो तीन तीन महीने एक इंस्ट्रूमेंट पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तैयार होता है तब वो उस पॉइंट पे आता नहीं, बचता नहीं ठीक से, तब हम लोग भी नाराज़ होते हैं, हमारी भी मेहनत लगी होती है। एजुकेशन को मैंने, जब आप काम करते हो तो आपके हाथ में जब पैसा था ना, तब आप एजुकेशन पर ध्यान ही देते ऐसा इशू रहता है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने जब कैसे था, जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, तब फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना था, तो फॉरनर लोग पूछते थे कि जब हम लोग सितार के साथ फोटो डालते थे ना, तो फॉरनर लोग पूछते थे कि बेचना है क्या तुम क्या करके। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब ऑफिशियली बिजनेस शुरू किया तो मैंने 57,000 को एक तानपुरा भेजा था USA में। तो उस हिसाब से फिर लगा कि भाई इसमें तो पैसे बहुत मिल रहे हैं, दूसरा काम क्यों करने जाऊँ, 30,000 में दूसरों का काम क्यों करूँ, मैं खुद का ही मालिक बन जाऊँ, इसलिए फिर इसमें गिर गया। ऐसे हुआ, हमारी गली में तो बहुत से लोग भी ऐसे हैं कि मतलब बहुत सा सीखे हैं, मतलब 11-12 लाख रुपये डाल के ना डॉक्टर वॉक्टर किए हैं, फिर भी ये काम कर रहे हैं। अभी एक फैमिली है जो 4 या 5 जनरेशन से समझ लो इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग का बहुत सा एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत से सीक्रेट्स होते हैं उनके कि इंस्ट्रूमेंट कैसे अच्छा बनता है। तो वो जब फैमिली अपना बिजनेस क्लोज करती है तो उसके साथ वो पूरा एक्सपीरियंस भी ख़त्म हो जाता है। अभी किसी की भी नहीं, हमारी सब लोगों की जो नई जनरेशन है ना, वही स्ट्रगल कर रही है इसमें आने के लिए, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस बिज़नेस में लाने के लिए। अच्छा, तो आप ये आपके बेटे या आपकी बेटी जो भी हो, नेक्स्ट जनरेशन में आप ये जो कर रहे हैं वो पास करना चाहेंगे? पास करना तो चाहते हैं, लेकिन जो इसका प्रॉफिट बहुत कम है, इसलिए थोड़ा दिल में तो है, दिमाग में नहीं है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. इंस्ट्रूमेंट मेकिंग आर्ट जो है वो पैशन के साथ फॉलो होता है। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो इंटरनल पैशन नहीं आता तो डेफिनेटली वो लोग अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना पाएंगे। ये चीज़ को समझिए, एक इंस्ट्रूमेंट में काम में जब हम बैठते हैं तब हम घड़ियाल कभी देखते नहीं, घड़ियाल हमेशा हमारा पीछे है। हम लोग वो काम कंप्लीट करते हैं, टाइम टू टाइम काम हमको नहीं होता, हमको वो मूड के हिसाब से हम काम अपना करते जाते हैं। तो हमारा पैशन उसमें है, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस से अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। बस डिपेंड है सामने वाले पे, सीखने वाले पे। तो मेरा शादी नहीं है, सही से बोल रहा हूँ तेरे को, क्या जब शादी होगा तब ये होगा, प्लानिंग होगा, जो भी होगा उस पर। फिर भी अगर वो सामने वाला बंदा आना चाहता है तो भले ही मेरा बेटा हो या बेटी हो, क्या अगर उसको सीखना है तो मैं सिखाऊंगा, अगर नहीं सीखना है उसको कुछ अलग करना है, ऐसे ही नहीं कि मैंने किया है, मेरे मतलब डैड को बोला कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो वो भी उसको ऐसे सामने से आके बोलना चाहिए कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो सिखाएंगे। ऐसे ज़बरदस्ती सिखा के कुछ फ़ायदा नहीं है काम, कोई भी काम वो सीखना उसके दिल में होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये काम सीख नहीं सकते तुम। आप कितने साल से यहाँ काम करते हो? यहाँ पर 30 साल हो गए। 30। आपकी फैमिली में करता है कोई? कुछ फैमिली में नहीं, कोई नहीं। इससे आगे तो कोई नहीं। आप आखिरी
सेकेंड ये थर्ड, ये थर्ड होने के बाद यहाँ पे आके ऐसे अंदर घुस, इसको इसके अंदर घुसाना पड़ता है, और ये और इधर ये जो गांठ मारी है ना, ये लाइफ में कोई हाथ से नहीं खोल पाएगा, हाथ से कोई नहीं खोल पाता है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन मेरे हिसाब से कब आएगी, जब लोग जब हम लोगों को कुछ सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योरिटी इन द सेंस कि उम्र के 60-65-70 साल तक काम करने के बाद में एक थोड़ी छोटी अमाउंट हो जो पेंशन के रूप में हो, जो खाने पीने के लिए ना हो, बस दवा दारू का अगर कुछ इमरजेंसी रहे तो उसके लिए एक छोटी सी अमाउंट हो, कि कारीगर को काम करते समय ये एश्योरेंस रहेगा कि मैं यही काम करते करते भी अगर मर जाऊंगा तो मेरे पीछे फैमिली को कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा, आगे चल के 5-25 सालों के बाद में पता नहीं कितने कारीगर इसमें सर्वाइव करेंगे या नए कारीगर इसमें जुड़ पाएंगे, अभी तो पता नहीं है, लेकिन एक है कि ये जनरेशन के बाद में आगे जनरेशन इंडियन म्यूजिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करेगी नहीं करेगी, ये बनाने वाले उतने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं दे सकती, ये आहिस्ते 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 ख़त्म हो रही है, मतलब इसमें जो एक जान है वो निकल रही है, म्यूज़िक एंड नहीं होने वाला है दुनिया में से, म्यूज़िक रहेगा, बजाने वाले रहेंगे, सुनने वाले रहेंगे, बनाने वाले नहीं रहेंगे, ये दिक्कत है। देख लीजिए और गौर कर लीजिए, एक मौलवी मौलाना कुरान मजीद पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह क्या कहें, दरस देते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, नवाजे बताते हैं, ठीक, एक पंडित जी शास्त्र बतलाते हैं, गीता बतलाते हैं, रामायण बताते हैं, बहुत अच्छा है, बाइबल वाले अपने बताते हैं, सब, लेकिन सब अलग अलग है, लेकिन संगीत ऐसी चीज़ है, खूब जहन नशीन रखिए, ये जहाँ भी होगा सब एक हो जाएंगे। चालू।